मुल्क में जारी कोरोना की दूसरी लहर से जहां कीमती इंसानी जानों के ज़िया के इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं कारोबारी मराकज में SOPs पर कितना अमल हो रहा है ये भी जानेंगे। तहसील देपालपुर के बाजार में नुमाइंदा कैपिटल टीवी राव मुश्ताक मौजूद हैं। राव मुश्ताक, बताएगा SOPs किस हद तक फॉलो हो रहे हैं यहाँ? मैं ये मालूम करना चाहूँगा सदर तहसील अंजुमन ताजरान देपालपुर से कि हमें ये मालूम दरकार हैं कि अब तक इन्होंने क्या ठोस इकदाम उठाए हैं इस तहसील की बड़ी मार्केट में जो यहाँ पे रश की सूरत हाल देखने को दिखाई दे रही है, इस सिलसिले में इन्होंने जो अहम इकदाम उठाए हैं मुख्तर हमें उनसे आगाह कीजिएगा। जी शेख साहब। जी, मैंने अपने तमाम दुकानदारों को, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जैसे क्लाथ मर्चेंट है, शूज़ स्टोर है, जनरल स्टोर हैं, इसी तरह ये 41 तंजीमें जो देपालपुर में बनी हुई हैं, मैं उनके सदूरों को, मैंने अपने सारे सदूरों को बुलवा के उनके साथ मीटिंग की है और उन्होंने अपने अपने जो उनके हिस्से में दुकानदार आते हैं उनको अवेयरनेस दी है कि आप कम से कम दुकानों पे SOPs का ध्यान रखें और हर हवाले से अगर आपके पास कस्टमर आता है तो उसको भी बताएं। लेकिन भाई मेरे, ये देहाती माहौल है, दुकानदार तो करते हैं, दुकानदार तो बिल्कुल करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बड़े वासूक से ये बात कह रहा हूँ कि हमने जो अवेयरनेस दी है ये फेस मास्क की, सैनिटाइजर की, कूलर वगैरह भी हमने हाथ धोने के लिए रखे हुए हैं, साबुन भी रखा हुआ है। लेकिन जो रोडों पर रश होता है ना, उसके लिए इंतजामियों को हरकत में आना चाहिए, इंतजामियों को चाहिए कि अपने वो एहलकार खड़े करें और बंदों को जिनके मुँह के ऊपर मास्क नहीं है वो मास्क लगाएँ। तो यही जी, हमें मरकजी अंजुमन ताजरान देपालपुर के सदर शेख सलीम साहब आगाह कर रहे थे कैपिटल टीवी को कि उन्होंने किस तरह ठोस इकदाम उठाए हैं अपनी तंजीमात के साथ कोऑर्डिनेट करके। मैं समझता हूं कि आम शहरियों को भी इस पे मुकम्मल SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए ताकि हम अपनी कीमती जिंदगियों को बचा सकें और हुकूमती इकदाम को इस सिलसिला में मैं समझता हूँ कि मज़ीद ठोस इकदाम की ज़रूरत है मार्केटों में रश के हवाले से, ये कहना है शेख सलीम साहब का। जी।